नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो जहाँ मेरा। कौन कौन चाहते ऐसा समय वापस आए, उठाओ पूरे पूरे हाथ, तो तालियों के साथ। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जैसा मैंने कहा, हर पात्र कुछ सिखा रहा है, तो लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल thank you।
अब यहाँ घर की हालत ऐसी हो रही है कि लोग सोचे हमारा हिस्सा तो ले ही ले, सामने वाले का भी ले ले, पर वहां पर भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था। श्री राम ने कहा था मैं कह रहा हूं राज कर, फिर भी उन्होंने नहीं लिया। जब सीता माता की बात आती है, नारी की शक्ति ये है कि उसको पता है कि उसको कब आगे रहना है, कब थोड़ा पीछे होना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। जब श्री राम की बात आती है ना, उनको पता था कि कब कहानी उनकी है और कब श्री राम की है। वरना एक बात बताइए, सीता माता की शक्ति बताई गई है कि उनके स्वयंवर में जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं पा रहे थे, उस धनुष को तो उन्होंने झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाकर वापस नीचे रख दिया था। उनको जरूरत थी कि कोई आए और रावण से उनकी रक्षा करे, वो खुद नहीं लड़ सकती थी, पर उनको पता था अभी कहानी मेरी नहीं है, अभी उनकी है, तो उनको आगे रखना है। तो वो जानती है, स्त्री जानती है कब उन्हें माँ सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है। ये समझदारी भगवान ने स्त्रियों को दी है। तो क्या कहते हैं, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी आते हैं। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के
जहाँ मेरा ठिकाना हो।